नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जन जागृत न्यूज चैनल पे। आइए आज हम आपको दिखाते हैं लालगंज मिर्जापुर की सबसे बड़ी खबर, जहां पर ग्राम प्रधान की दबंगई और मनमानी खुलकर सामने आई है। मामला लालगंज थाना अंतर्गत ग्राम सभा नेवढ़िया का है, जहां पर ग्राम प्रधान लालचंद यादव की दबंगई देखने को मिल रही है। इस गाँव की जनता इनके कार्य से असंतुष्ट है। गाँव की सीता देवी, राजेंद्र प्रसाद यादव, रोहित कुमार, शिव नारायण यादव, हरिलाल यादव, शिवनाथ, शेषमणि यादव, कमलेश कुमार आदि लोगों का कहना है कि जिनके पास आवास है उन्हें आवास दिया गया है, और जो गरीब लोग हैं ना तो उन्हें आवास और ना ही शौचालय उपलब्ध कराया गया है। वहीं पर राजबली हरिजन, लक्ष्मीना, आशा देवी आदि का कहना है कि ग्राम प्रधान आवास के नाम पर 20,000 से लेकर ₹30,000 तक धन उगाही किए हैं। दूसरी तरफ ग्राम प्रधान लालचंद यादव नवीन राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में सामुदायिक शौचालय बनवा रहे हैं, जिसकी शिकायत समस्त ग्रामीणों ने उच्च अधिकारी और विद्यालय के प्रधानाध्यापक टंडन सिंह द्वारा भी इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई कि सामुदायिक शौचालय इस विद्यालय प्रांगण में न बनवाया जाए, लेकिन ग्राम प्रधान की दबंगई के कारण कोई कुछ नहीं कर पा रहा है और ना ही ऊपर के अधिकारी कुछ कर रहे हैं। जबकि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से गांव की जनता आक्रोशित है और सामुदायिक शौचालय नहीं बनने दिया जा रहा है। पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान आवास, शौचालय, नाली, खड़ंजा आदि में अनियमितता बरते हुए हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग किए हैं। वहीं पर जब दूसरी तरफ ग्राम प्रधान जी से पूछा गया कि ये जो आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं ये आरोप सही हैं या नहीं, तो ग्राम प्रधान का कहना है कि सारे आरोप निराधार हैं। पंचायत भवन की जगह पे मैं सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास ग्राम सभा में कोई भी जमीन नहीं है। वास्तविकता क्या है जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है। हमारे सात आठ लड़का हम कैसे खियाई कैसे जियाई साहब। अच्छा, आप भी विधवा हैं? हाँ, विधवा हैं। चलिए ठीक है, यानी आप लोग प्रधान के खिलाफ में जो है यहाँ एकत्रित हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं विद्यालय प्रांगण में शौचालय बनवाया जा रहा है, तो इसके लिए आप लोगों ने रोका उनको? बड़ी एप्लीकेशन दिए हैं, SDM से लेकर के DM तक जो है BDO को दिया है, सांसद माननीय अनुप्रिया पटेल को दिए हैं, और जो है हर जगह दिए हैं, जहां हम लोग जानकारी हुआ वहां दिए। लेकिन प्रधान जी मान नहीं रहे हैं। प्रधानाचार्य भी दिए हैं, प्रधानाचार्य यहां के, उनके द्वारा हम लोग जाने हैं सर। अच्छा, उनके द्वारा हम लोगों को जानकारी हुई है। 12 बज गया लेकिन उनके गेट पे ही खड़े हैं सफाई कर्मी। यानी सफाई कर्मी खड़े हैं, कोई काम नहीं करते हैं। सफाई कर्मी सफाई कर्मचारी उनका आलू बोते हैं, गोबर उठाते हैं यहाँ पर, उनकी गैया दूध दूहते उनके घर ले जाते हैं। कोई ड्यूटी पर नहीं है, सफाई कोई ड्यूटी पर नहीं आता है, कार्यालय बनवाया। ठीक है, आपकी बातों को ऊपर तक के अधिकारियों को पहुंचाई जाएगी। स्कूल के चापा गले से समरसेबुल लगा खेत भरते हैं, स्कूल से बिजली से लिए है, लालचंद प्रधान का परिवार पूरे पूरे। अच्छा, बिजली भी बाहर हुआ है स्कूल का, क्या समस्या है? हमारे समस्या ये है सर कि हम लोग रहे घर पर नहीं रहे, और प्रधान जी ले जाके आधे खेते चक में लाद के और रास्ता बना दिए हैं, बना के चक में। अच्छा, रास्ता जबरदस्ती बना रहे हैं। तो भाई आप लोग खिलाफ में इस तरह से जैसे क्या कहते हैं जबरदस्ती दबंगई से कर रहे हैं, तो ऊपर के अधिकारियों को अवगत कराइए ना। आप दिए हैं ऊपर के अधिकारियों को? ठीक है, पूछना था यहाँ पर जो पानी का बंदोबस्त है या जो लाइट की व्यवस्था है जी, उसके बारे में जानना चाह रहा था। क्या यहाँ की लाइट क्या बाहर भी सप्लाई दे रही है क्या? जी जी, सप्लाई बाहर हो रही है। तो हमने उच्च अधिकारियों को सूचना पहुँचाई, तो उन्होंने कहा ये हमारे अंडर में नहीं है। कोई चीज जब लगाई जाती है विद्यालय के लिए तो हैंड ओवर किया जाता है। जैसे कोई विद्यालय में अगर कोई भवन बनवा दे, अगर आप ही बनवाएंगे
तो आप हमें हैंडओवर करेंगे, जब हैंडओवर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा जी। तो यहाँ जब लगवाया गया तो उसको हैंडओवर नहीं किया गया है, नहीं समरसेबल ही, तो अभी वो प्रधान का है या बिजली विभाग का है, तो उस पर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना हम विधि कार्रवाई कर सकते हैं कि यहाँ से बिजली का उपयोग गाँव द्वारा उपयोग लिया जा रहा है उपयोग में। पानी का भी उपयोग लिया जाता है, तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। गांव वालों का एलिगेशन है कि खेतों में पानी लगता है, खेतों में बच्चों को पीने का पानी अगर खेतों में जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे। नहीं, इसकी सूचना हमें नहीं है, हमारा एक तो समस्या इस साइड में है और एक तो पीछे है, वो उन्होंने प्रधान जी ने लगवाया है अपना, तो उसका हमें कोई उसकी यानी आपका कहने मतलब ये है कि प्रधान जी ने अपना समरसेबल आपके प्रांगण में लगवाया है। ये बात है, नहीं इसके लिए हम कहने चाहिए आपने कोई रोक नहीं लगाया। नहीं नहीं, विद्यालय में उन्होंने लगवाया है, अभी तक हैंड ओवर नहीं किया है, इस वजह से उसमें समरसेबल लगवा के उन्होंने सप्लाई अपने घर ले रखा है। हाँ, जब वो हमें हैंड ओवर कर देंगे तो हम कोई अगर अनुचित होगा तो हम उस पर विधि कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा, ये लगे कितने दिन हो गया? अभी ये लगे 6 महीने के ऊपर हो गया है, अभी तक हैंड ओवर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सप्लाई चालू है, उन्होंने सप्लाई अपने घर में ले जाके रखा हुआ है और उसकी सप्लाई जो है खेतों में लेते हैं सिंचाई के लिए। हाँ, ये तो उनकी सूचना है, हमें सूचना धन्यवाद। जी प्रधान जी, पहले आप अपना नाम बताइए। लालचंद यादव। कहाँ से? नेवड़िया ग्राम पंचायत प्रधान, लालगंज मिर्जापुर। लालगंज मिर्जापुर जी। तो लोगों का आप पे काफी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि आप जो है जो प्रांगण में जो भी काम किया जा रहा है विद्यालय प्रांगण में जी, वो आपके सहमत से और दबंगई से है? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। जब समुदाय शौचालय बनने का आदेश आया, धन भी नहीं आया था और डीएम साहब का आदेश था कि 30 सितंबर तक बन जाना चाहिए। हमने जमीन खोजना शुरू किया, लेखपाल बुलाए, कानेगो से भी देखे, सब खुजवाए, कहीं बंजर जमीन है, ग्राम पंचायत की जमीन नहीं थी, न जीएस की थी न कहीं थी, तो एक यही हमको मिला। सब लोग राय लिए, सब राय दिए कि हाँ यहीं पंचायत भवन की जमीन है, यहीं बनवा दीजिए, यहाँ बस्ती भी चौराहा भी है। कुछ गाँव वालों ने छानबीन भी किया है कि गाँव में वंचित जमीन अभी बची हुई है। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। इस जो आप अपने जो है केवल दबंगई के कारण बना रहे हैं? कोई दबंगई नहीं, लेखपाल उसका मालिक होता है, मैं लेखपाल से। गांव के किसी भी नागरिक या सदस्यों से आपने राय भी नहीं लिया? सबसे लिया, जो एंटी पार्टी हमसे बोलता ही नहीं उससे मनाई लिया, और सबसे लिया मैं 95% लोगों से लिया, राय अच्छी मिली, 5% चुनाव की वजह से एंटी शब्द रहते हो, अपना नहीं बोलते हैं, अपने अच्छा, चलते हैं। अच्छा प्रधान जी, एक प्रश्न और ये कि जैसे लोगों ने आरोप लगाया है आपके ऊपर कि आपने आवास के नाम पे 20,000 से 30,000 रुपए तक धन उगाही की है, उसके बारे में क्या कहना है? कोई सब सत्य नहीं, सब टोटल गलत है। आज चार साल बने हो गया, आज तक नहीं कहे, न मैं किसी से लिया हूँ। लोगों का कहना ये भी है कि जिनके पास पहले से पक्के मकान मौजूद थे उनको आवास दिया गया है? नहीं, गरीबों को नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। 2011 सन के का नाम से लिस्ट बनी थी और इस पर जब धन आया तो दो अधिकारी सत्यापन किए, जो पात्र था उसी का आवास बन रहा है। और ये स्वच्छ योजना के तहत मोदी जी द्वारा जो चलाई गई योजना है स्वच्छ भारत का, उसमें टॉयलेट का काफी प्रावधान आपने सुना होगा जी, उसमें भी शौचालय जी, तो उसमें आपने लोगों को शौचालय कितना दिया है? जितना शौचालय का पैसा आया था सब शौचालय बनवा दिए, और उसके बाद जहाँ कोई खनवाते थे कि हम बनवाएंगे गड्ढा कहना ही नहीं, अपने बनवाएंगे, ईंटा 12,000 मिलता है, 2 नंबर गिरवाते थे तो कहना अपन ईंटा उठा ले गया, सब वही एंटी पार्टी न बनवाए न बनाने दिए, दिखाया कि खड्ढा करा के छोड़ दिए, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, वो ऐसा पैसा खा लिया। एक मिनट सर, वो गंगाराम जब ODF का चालू हुआ था, गंगाराम पटेल वीडियो आए थे, उन्होंने भोर में 4 बजे पहुंच जाते थे, अब गांव में घूमना शुरू कर दिया, गड्ढा खनो, फिर चुनाव आ गया एक सांसदी वाला, वो का नाम से उनका कवासम भी ट्रांसफर हो गया, चले गए, फिर धन नहीं आया, बहुत बाद में आया। तो नाम तो अप्रूवल के लिए गया ही होगा? नहीं, बस इतने कहते थे ODF होना है, गड्ढा खनो और पैसा आएगा बनेगा, कुछ लोग गड्ढा खन दिए थे, 2-4 लोग, और फिर न धन आया न BDO साहब ट्रांसफर हो गया, उसके बाद जो धन आया जहाँ जहाँ बना, वो एंटी पार्टी जो थी उसको हम बहुत प्रयास किए, बहुत समझाए दूसरों से। प्रधान जी आपसे,
जिस तरह से हमको झोपड़ियां दिख रही थी, सारा लोग जो भी है आपने उनको कहा कि अवैध है, आप लोग को नहीं मिल सकता। किस नाम के आवास? पक्के वाले की भी झोपड़ी रहती है और कच्चे वाले की भी झोपड़ी रहती है, आवास वाले की भी झोपड़ी रहती है। तो किसी में खाना बनाते हैं सहूलियत हवा लगने के लिए, कोई ऊपरी रखता है, कोई लकड़ी, कोई गाय बांधता है, कोई भैंस, कोई झोपड़ी दिखा देता है। ये यही मेरा घर, पूरे गांव वाले कह रहे थे। आप उसी गांव वाले के बारे में जाना चाहूंगा आपसे, गांव वाले की बात जो आप गांव वाले की वजह से आज प्रधान है आप, आज उस गांव वालों का कहना आपको झूठ लग रहा है, ऐसा बोलना चाहते हैं? सर जी, हम पहले ही बोल दिए कि 95% अच्छे रहते हैं, 5% जो है अपन वोट बैंक करते हैं, टिकड़म लकड़ी लगाते हैं, तुहार ऐसे नहीं करें, तुहार ऐसे नहीं करें, बता रहे हैं विपक्षी। ठीक है, हम तो बता रहे हैं ना कि जो आवास आया था, जो पात्र था, दो बार सत्यापन अधिकारी किए हैं, उनके कलमों द्वारा आपात पात्र बनाया गया, जो पात्र था उसी का आवास बना है। अच्छा, एक विधवा स्त्री द्वारा भी आप पे आरोप लगाया गया है कि वो विद्यालय प्रांगण में खाना बनाती थी जी, उनको आपने व्यक्तिगत, उसमें हमारा कोई सहमति न कोई पावर है न कुछ है, अध्यापक का पावर है, लड़के ऊपर होता है, और वो बहुत, आप मीडिया है आपके सामने, उसका कुछ बताना अच्छा खराब अच्छा नहीं लग रहा है। वो पंडित जात के हैं, वो देर जाती थी, एक दिन भी खाना नहीं बनाती थी, ऊपर से उनके घर वाले अध्यापकों को हर समय धमकाते थे। तो जब ये होगा कि 30 लड़के पर एक दाई रहेगी, ये दो पंचवर्षीय रह चुकी थी 10 साल, तब दो ठे निकाल दिए। प्रधान जी, क्यों जान जाता था, जो वहाँ पर चापाकल लगा हुआ है, उसमें समर्सिबल लगा हुआ है, उसको आपने पर्सनली यूज कर रखा है? पर्सनली यूज नहीं रहे, वो पंचायत भवन में लगवाए हैं, जमीन में पंचायत भवन की घूम स्थल है वो, और मैं सुविधा करता हूँ, बनाता हूँ, और डीएम साहब का आदेश था कि बच्चों के बाद अगर कोई पड़ोस में वहाँ है घर दुआ तो उसको पानी ले सकता है। मतलब खेतों में भी पानी लगाया जाता है? नहीं, खेतों में पानी नहीं लगाया, गलत बात है। वहाँ बिजली भी इसी प्रकार से उसका दोहन हो रहा है? बिजली दोहन नहीं हो रहा है, सब कनेक्शन लिए हैं वहाँ से, विद्यालय से बिजली जो ले गया है जी, वो जी हाँ बोल रहे हैं, वो भी जो है कनेक्शनधारी है, कनेक्शनधारी है, वहाँ से ना देके बिजली विभाग वाले यहीं से दे दिए हैं। कुल मिला के जो वहाँ का अपनी चापाकल लगाया है या तो फिर जो बिजली आई है, क्या वो हैंड ओवर स्कूल को किया गया है? क्या हैंड ओवर कौन करेगा, हम लगवाए तो हैंड ओवर कैसे हो? नहीं, जैसा जो भी किया है आपकी जानकारी में, जितना काम कराए स्कूल में, किसी के हैंड ओवर नहीं किए हैं, न कोई मांगा है न दिया हूँ, कोई मांगता तो मैं दे देता। ऐसा कुछ प्रावधान होता है क्या? हमको नहीं मालूम है। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज, सच के साथ साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।